नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेबो हमेशा से ही अपने स्टाइल और फैशन के लिए जानी जाती हैं। करीना कपूर खान का फैशन स्टेटमेंट हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। एक्ट्रेस अपने लुक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। करीना कपूर से जुड़ा एक पुराना किस्सा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस इस मामले में बेबो का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई। दरअसल यह किस्सा उनकी एक फिल्म से जुड़ा है जो साल 2012 में आई थी और इस फिल्म का नाम था हीरोइन। इस फिल्म में करीना कपूर ने 50 या 100 नहीं बल्कि टोटल 130 ड्रेसेस पहनी थी। मामला यही नहीं खत्म होता, ये सभी ड्रेसेस दुनिया के बड़े बड़े ड्रेस डिजाइनर द्वारा तैयार की गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना की ये फिल्म अब तक की बनी सभी बॉलीवुड फिल्मों में से सबसे महंगी फिल्म थी और इस फिल्म में 130 ड्रेसेस पहनकर करीना कपूर ने रिकॉर्ड बनाया था जिसको आज तक बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेस ब्रेक नहीं कर पाई है। ये फिल्म बेबो के बर्थडे यानी 21 सितंबर 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर मधुर भंडारकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म हीरोइन की कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस के जीवन पर आधारित है जिसको इंडस्ट्री में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपना करियर बचाने के लिए वो ऐसा कदम उठाती हैं जिसके लिए उसे पछताना भी पड़ा है। फिल्म में करीना के साथ अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा, राकेश बापट, शहाना गोस्वामी, दिव्या दत्ता, हेलेन, शिल्पी शर्मा, मुग्धा गोडसे और लिलेट दुबे जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे। ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध पर बनी यह फिल्म कहीं ना कहीं फिल्मी पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाती है। इस फिल्म का हर एक गाना खूब पॉपुलर हुआ था। गानों के साथ साथ करीना कपूर का स्टाइल और उनके आउटफिट भी खूब चर्चा में छाए थे। तो दोस्तों कैसी लगी यह दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।